नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। महागठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर ऐलान कर दिया गया है और इतना स्पष्ट है कि वैशाली और हाजीपुर सीट राजद के खेमे में गया है। बिहार के 40 विधानसभा सीटों में से राजद 26 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, वहीं कांग्रेस 9 सीटों पर, जबकि वाम पंथ के दलों के बीच 5 सीटें बांटी गई है। वैशाली लोकसभा सीट पर अभी तक संशय बरकरार है, क्योंकि मुन्ना शुक्ला को सिंबल दिए जाने की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द लालू प्रसाद यादव इस पर फैसला करेंगे। हालांकि लोजपा की तरफ से यह लगभग साफ कर दिया गया है कि वीना देवी को वैशाली से टिकट मिलने जा रहा है, ऐसी बातें अब तक सामने आ रही है। चिराग पासवान को हाजीपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर की सीटें मिली है। चिराग पासवान ने खुद कहा था कि वह खगड़िया और समस्तीपुर पर किसी नए चेहरे को मौका देंगे, लेकिन उन्होंने इसमें वैशाली का जिक्र नहीं किया था। इसके अलावा मुन्ना शुक्ला जैसी धाकर छवि से लोहा लेने के लिए चिराग पासवान के पास वीना देवी के अलावा और कोई बेहतर विकल्प है भी नहीं, चाहे वो पावर में हो या पैसे में हो। ऐसे में पहले भी हमने आपको बताया था कि वीना देवी वैशाली लोकसभा से LJP की उम्मीदवार हो सकती है। लालू प्रसाद यादव NDA की तरफ से उम्मीदवार घोषित होने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। ऐसे में मुन्ना शुक्ला को टिकट मिलने को लेकर जो उम्मीदें हैं उस पर तलवार लटकी हुई है। रमा किशोर सिंह की बार बार हो रही एंट्री भी कुछ न कुछ गड़बड़ी कर देने का इशारा कर रही है। अब देखना यह है कि वैशाली लोकसभा से सांसद रही वीना देवी इस बार राजपूत ब्राह्मण समीकरण को कैसे समेटती है। NDA और मोदी के नाम पर विशाल जनमत उनके साथ तो है ही, लेकिन यादव मुस्लिम समीकरण उन्हें चोट जरूर करेगा। कहने को वैशाली RJD रघुवंश प्रसाद सिंह का गढ़ रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि यदि वो 5 बार जीते हैं तो इसमें हारे भी हैं। वैशाली के राजपूत हमेशा NDA के लिए मजबूती से खड़े रहे हैं। ठाकुर का कुआं विवाद के बाद एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव एंड कंपनी के लिए वही गुस्सा नजर आ रहा है, लेकिन इतिहास इस क्षेत्र में उलटफेर से भरा हुआ रहा है, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल अब तक वैशाली से मुकाबला जोरदार होने वाला है। हाजीपुर पर चिराग भारी पड़ेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा भारी पड़ेंगे ये भी अभी तक नहीं कहा जा सकता है। मैं प्रकाश चंद्र, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके विचारों का कमेंट में स्वागत है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं, कुछ अच्छा खाइए।